अब क्या है? खोल गया। हेलो, तो कैसे हो सभी लोग? आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करेंगे? आज हम करेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिनके पास पुरानी एडिशन है उनके हिसाब से ये 3.3 है और न्यू एडिशन के हिसाब से लिखा हुआ है यहाँ 3.2। खैर, समझ गए, अपना अपना देख लेना। खैर, स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन पर। आपको हम यह माफी चाहेंगे थोड़ी देर के लिए। क्या हो रहा है कि हम क्या कि हम बिल्कुल मंदिर के सामने, हमारा जो घर है मंदिर के सामने, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आई होने भी चाहिए। पर यहाँ अब मैं सुबह रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वहां भजन चल रहे हैं, तो उसकी आपको शायद बैकग्राउंड में आवाज आ रही हो, तो उसके लिए भाई माफ करना, ठीक है? तो खैर, स्टार्ट करते हैं। मजबूरी है भाई मेरा भी रिकॉर्ड करना, तो समझ सकते, थोड़ा अपने साथ कॉम्प्रोमाइज चलता है, इतना भी सकते मेरे लिए कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं, देखो सिंपल सी बात, ऊपर तो ये बोल रखा है, जो भी क्वेश्चन दिया आपको वो सॉल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आपको वो सॉल्व करना है, ठीक है? पर जो अंग्रेजी लिखी हुई है पहले इसको मैथ की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, मतलब कि इसकी इक्वेशन बनानी है, फिर उसको आपको फर्दर सॉल्व करना है। तो पढ़ते हैं अंग्रेजी को, अंग्रेजी में क्या बोला है। अंग्रेजी में बोला है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द। भैया समझ गए, आप पता है मेरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम है ना, आप टेंशन क्यों लेते हो? पहले तो यहां बोल करो टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि दो एंगल हो गए उनका सम कितना होगा 180। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है, मान लो एक एंगल है, मान लो आपका 100 और एक है 80, तो इनका सम क्या होगा 180। तो जिनका सम 180 होता है तो ये एंगल क्या हो जाएगी, सप्लीमेंट्री एंगल। पर हमें तो दिया नहीं है ना भैया, फाइंड करना है वो तो एंगल, तो लेट कर लेगा ना भाई, एक एंगल एक्स एक एंगल वाई, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। लो भाई फर्स्ट ही क्वेश्चन तो बन गई। अभी ये तो फर्क लिख रहा हूं, अभी क्वेश्चन कर रहा हूं, पर चिंता मत करो, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पड़ेगी कि दो एंगल का सम कितना होता है 180, वो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो ये तो अपनी बात हो गई, ठीक है? आगे बात करते हैं कि द लार्जर एक्सीड, देखो इसको कट करो बीच में एक बार, द लार्जर एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि जो बड़ा एंगल होगा, बड़ा एंगल होगा, दो एंगल है, एक ना एक तो बड़ा होगा, ठीक है? जो बड़ा एंगल है उसमें से आप छोटा एंगल माइनस करोगे तो आपको 18 डिग्री मिलेगा, समझ रहे हो भाई? डिग्री क्यों मिलेगा भाई, एंगल किसमें होता है, डिग्री में होता है ना, एंगल किसमें नापते हैं, डिग्री में नापते हैं ना, तो डिग्री मिलेगा। तो ऐसा बोल रहा है, मान लो हम एक्स को बड़ा एंगल मान लेते हैं और वाई को छोटा एंगल मान लेते हैं, एक्सीड का मतलब क्या है, घटना, घटने से आप लगा देता हूं माइनस, क्या लगा सकते हो माइनस, ठीक है? तो बोल रहे हैं जो लार्जर में से अगर हम छोटा घटाए तो अपने को क्या मिलेगा एंगल 18 डिग्री, क्या मिलेगा? तो बड़ा एंगल एक्स लेट किया है उसमें से छोटे को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 18। सेकंड ये हुई लो भाई, फर्स्ट और सेकंड बन गई, सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं। अब सॉल्यूशन स्टार्ट, देखो दो सॉल्यूशन ना, लेट द लार्जर एंगल इक्वल्स टू एक्स, लेट द स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू वाई। अच्छा डिग्री है ना, छोटा सा डिग्री है ना, यहां पता लगे किसमें है, एक्स डिग्री और वाई डिग्री, ठीक है? खैर, तो दो कंडीशन है, एक तो ये सप्लीमेंट्री, चलो लार्जर ये लेते हैं, लार्जर वाली ये कोई सी ले लो, मर्जी आपकी है, दो कंडीशन है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन तो लार्जर, लार्जर माइनस स्मॉलर कितना है 18, तो लार्जर माइनस एक्सीड स्मॉलर इक्वल्स टू 18, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो ऐसे ही सेम अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री क्यों है, मतलब दोनों एंगलों का सम कितना होता है 180। ये प्रॉपर्टी होती है ना कि भाई दोनों एंगल का सम 180 होगा सप्लीमेंट्री एंगल का, तो आपको ये सेकंड लेट करनी है। मैं अभी आया एक सेकंड इंक डाल लेता हूं ना, आपको समझ आया ना, अभी हमने दोनों इक्वेशन बना लिया, दो दो कंडीशन थी अपने पास, तो दो इक्वेशन बना ली, अब इनको सोल्व कर देंगे भाई, एक्स और वाई को निकाल देंगे बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेस में क्या होता है, बड़ा सिंपल नहीं होता, फर्स्ट इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो उसमें, उसको सेकंड में पुट कर दो। देखो अभी करते हैं ना, समझ आया, करते हैं भाई। तो बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की वैल्यू निकालो, किसी भी निकाल, किसी की भी निकाल सकते हो आप, वाई की निकाल सकते हो, एक्स की निकाल सकते हो, मर्जी आपकी, मैं एक्स निकाल रहा हूं, तो वाई यहां वाई समझ आप क्या हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18 प्लस y, है ना, x की वैल्यू 18 प्लस y,
ठीक है, अब इसको लेफ्ट करो थ्री क्वेश्चन पर, कोई बात नहीं। अब क्या किया है, फर्स्ट में से एक वेरिएबल वैल्यू का लिस्ट को अब सेकंड में पुट कर देते हैं, पुट इक्वेशन सेकंड पुट करो भाई, एक्स की जगह ये पुट करो 18 प्लस वाई। अब उसके बाद क्या, वाई इज गोस टू क्या 180, तो वाई प्लस वाई कितना हो गया 2y 180। भैया ये कहां गया, आ गया भाई, ये प्लस का 18 हो जाएगा माइनस का 18, तो ये आ गया 2y is equals to a, चलो भाई इसमें 180 में से 18, तो ये आएगा अपना, हाँ ये 162, ठीक है, तो y, अब 2 multiply हो जाएगा, divide 162 by 2, तो काटो, अब 2 है ना 2, 8 is 16, 2 1 जा 2, तो y की value यहाँ यही खत्म, y की value हो गया अपने पास 81, प्रॉपर लिखो भैया, देखो ऐसे नहीं, तमीज से लिखो, तमीज से लिख रहा हूँ भाई, सॉरी, ठीक है, खैर तो y की वैल्यू आ चुकी है 81। अब y क्या कहते हैं, x की तो निकाल लो, x की बड़ा सिंपल है, अब x की निकालने के लिए आप y की थर्ड में पुट कर दो या फिर फर्स्ट में पुट कर दो, थर्ड फर्स्ट में क्यों कर रहे हैं भैया, देखो यार तो फर्स्ट है और थर्ड है, बात बराबर ही है ना, अब इसकी निकालेंगे इसमें तो पुट करेंगे ना, कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम क्या करते हैं थर्ड में या फिर फर्स्ट में पुट कर सकते हो आप, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड बात बराबर है, इसलिए मैंने उसको थर्ड लेट किया था, क्योंकि बाद में पुट करनी पड़ेगी अपने को वैल्यू, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये और ये बराबर ही है, इसका मॉडिफिकेशन करा वो आ गया, तो मैं थर्ड में पुट कर देता हूँ, ठीक है, लो पुट इन इक्वेशन थर्ड, ये वाई की वैल्यू, तो एक्स क्या है, एक्स हमारे पास ये 18 प्लस वाई है ना, 18 प्लस वाई है, वाई के लिए पुट कर देना भाई, तो एक्स इक्वल्स टू 18 प्लस 81, तो एक्स आ जाएगा ये 99 है ना, हाँ, तो ये दो एंगल है, एक तो कितना है 99 और एक कितना है 81, समझ गए, तो ऐसे दो एंगल है, इनका सम 180 भी होगा और इनका अगर माइनस करे वो 18 भी आएगा, देख ही लिया हमने, तो खैर भाई स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा आप लोग मर्जी आपकी है, तो मजा करते हैं, आपको समझ आएगा, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, सी यू देन, टाटा बाय बाय, और सब क्या है मेरे बोलूं।